तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट का। तो अल्फोंस डॉडेट जो हैं वो एक महान फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनकी यह स्टोरी द लास्ट लेसन में उनके द्वारा लिखी गई द लास्ट लेसन वर्ष 1870 के बारे में बताता है, जब बिस्मार्क के तहत प्रशियाई सेना ने फ्रांस पर हमला किया और कब्जा कर लिया एल्सेस और लॉरेन के फ्रांसीसी जिले प्रशिया के हाथों में चले गए। नए प्रशिया शासकों ने इन दो जिलों के स्कूलों में फ्रेंच की पढ़ाई बंद कर दी। फ्रांसीसी शिक्षकों को जाने के लिए कहा गया। अब एम हैमल अपने पुराने स्कूल में नहीं रह सकते थे, फिर भी उन्होंने हमेशा की तरह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने छात्रों को अंतिम पाठ दिया। एम हैमल का एक ऐसा छात्र जिसका नाम है फ्रांच, जो फ्रेंच क्लास से डरता था, और एक ऐसा छात्र जिसका नाम फ्रांच है जो फ्रेंच क्लास से डरता था और एम हैमल की लोहे की छड़ से भी। तो उस दिन यह सोचकर स्कूल आया कि उसे दंडित किया जाएगा क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पर अपना पाठ याद नहीं किया था, नहीं बनाया था। लेकिन स्कूल पहुंचने पर उसने देखा कि हैमल रविवार के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और गांव के बूढ़े बुजुर्ग पीछे की बेंचों पर चुपचाप बैठे हैं। यह बर्लिन के एक आदेश के कारण था। वह पहला दिन जब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि फ्रेंच उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, फ्रेंच जो भाषा है वह उनके लिए कितनी महत्व है। लेकिन फ्रेंच में यह उनका आखिरी पाठ था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है ये पूरी स्थिति के करुणा को दर्शाती है। लोग कैसा महसूस करते हैं जब वे अपनी भाषा नहीं सीखते। यह हमें किसी जाति के अस्तित्व के लिए, किसी के जीवन में भी उसकी भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में ये भी बताया गया है कि उसकी रक्षा करना हमें कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, द लास्ट लेसन एक देश के नागरिकों के लिए भाषा और उसके महत्व के इर्द गिर्द घूमती है। देश की भाषा की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है क्योंकि उस देश की पहचान है। यह पाठ दर्शाता है कि किस प्रकार फ्रांस को युद्ध में पराजित करने के बाद प्रशियंस ने केवल फ्रांस के क्षेत्र पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों दिमागों पर भी शासन करना चाहते थे। कहानी इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है कि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो उसकी कीमत अधिक हो जाती है। छात्रों और शिक्षकों की पीड़ा स्पष्ट है क्योंकि हर कोई यह महसूस करता है कि चीज़ों को कैसे लिया गया। तो इस पाठ में सभी के लिए मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया गया है और इस तथ्य को महसूस करने की आवश्यकता है कि यह हमारी भाषा है जो हमें हमारी पहचान, सम्मान और स्वतंत्रता देती है। तो दोस्तों, इस कहानी का थीम यह है कि अल्फोंस डॉडेट का आखिरी पाठ यानी द लास्ट लेसन मुख्य रूप से मातृभाषा सीखने की लालसा और इसके लिए प्यार के बारे में है। इसमें देशभक्ति की भावना है। प्रशियाई लोगों ने लॉरेन और अल्सेस के लोगों की अपनी मातृभाषा सिखाने की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया। इस पाठ में उपनिवेशवादियों ने लोगों के मूल अधिकार छीन लिए। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट समरी। अगर आपको लॉन्ग समरी चाहिए पूरा कहानी को अच्छे से लाइन बाय लाइन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसका लॉन्ग समरी भी लेकर के ज़रूर आएंगे।